नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। मिसेज इंडिया 2018 के फाइनल राउंड में पहुंची समस्तीपुर की बहू दिव्या चौहान। रोसरा के बिरहा गांव की उड़ोरा मिट्टी लगातार प्रतिभा को जन्म दे रही है। प्रशासनिक क्षेत्र और खेल के क्षेत्र में नाम स्थापित कर अब बहुओं ने भी गांव और क्षेत्र के सम्मान के लिए अपनी कदम बढ़ा दी है। गांव की बहू और ब्रजेश कुमार राय की पत्नी दिव्या चौहान ने मिसेज इंडिया 2018 की टीम में एंट्री कर पुनः एक बार बिरहा को गौरवान्वित किया है। पूरे परिवार के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाली दिव्या विद्युत विभाग में कार्यरत हैं, जो मिसेज इंडिया प्रतियोगिता 2018 के फाइनल राउंड में पहुंच गई हैं। इसका ग्रैंड फिनाले 13 अप्रैल को दिल्ली में होने वाला है। बता दें कि समस्तीपुर के रोसरा बिरहा गांव की बहू दिव्या चौहान, जो मध्य प्रदेश की भोपाल से आती हैं, एक साल पहले बिरहा के रहने वाले ब्रजेश कुमार के साथ प्रेम विवाह किया था। MBA की पढ़ाई कर रही दिव्या चौहान वर्तमान में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बड़ी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत हैं। दिव्या मिसेज इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में पहुंचने पर काफ़ी उत्साहित दिखती हैं। इस मुकाम तक पहुंचने पर दिव्या बताती हैं कि आज भी हमारे समाज में बेटी और बहू के साथ फर्क किया जाता है, जबकि बेटे कई क्षेत्रों में बड़ा नाम कर रहे हैं। वहीं दिव्या के पति ब्रजेश अपनी पत्नी के इस मुकाम पर पहुँचने पर काफ़ी उत्साहित हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी पत्नी मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट 2018 में जरूर सफल होंगी। दिव्या चौहान के इस मुकाम पर पहुंचने से ससुराल से लेकर जिला मुख्यालय तक में खुशी का माहौल है। ससुराल के लोग दिव्या की सफलता से काफी खुश और प्रशंसा करते नहीं थकते। वहीं 13 अप्रैल को होने वाले ग्रैंड फिनाले में सफलता के लिए जिला परिषद अध्यक्ष प्रेमलता और DDC वरुण कुमार मिश्रा ने भी दिव्या को शुभकामनाएं दी है। पटना से लाइव सिटीज की रिपोर्ट।